उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पेपर आउट किया है, पेपर बेचे हैं, करोड़ों रुपए खाए हैं। जब ये सारा सिद्ध हो गया है तब भी उनके द्वारा लिए गए इंटरव्यू और उनके द्वारा पेपर आउट किए उस परीक्षा का रिजल्ट आउट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्या इनको पता नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है? और यह भी पता है इनको कि सांचौर के ही अधिकांश लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं और सांचौर के ही कई लोग इस आरोप पे दोषी पाए गए, जेल में हैं। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आपने ऐसा किया? क्योंकि आप खुद अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जो सिलेक्ट हुए लोगों ने उन्होंने भी बड़ी राशि आपको पहुंचाई है, इसलिए आपने उनको आश्वासन दिया था कि इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपका पैसा हमारे पास आ चुका है, इसलिए इसको जारी करेंगे परिणाम को, और इसलिए आपने परिणाम जारी कर दिया। तो ईडीसी या सीबीआई से जांच करा लीजिए और मेरी बात असत्य साबित होती है। और सुशील वो जो आपका बाबूलाल कटारा है वो यदि निर्दोष पाया जाता है तो मेरे को जेल में डाल देना। वो दोषी है, वो भ्रष्टाचारी है, तो आप भी क्योंकि उनको संरक्षण दे रहे हैं इसलिए आप भी महाभ्रष्टाचारी है, ये साबित हो गया है। कांग्रेस की सरकार है वो जो ही किसी प्रकरण का पता चलता है पूरी तह तक जाती है, अपराधियों को पकड़ती है, जो बरामदगी होती है उसको बरामदगी करती है और उसके बाद में सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा सवाल ये है कि अब ईडी आई है, हम तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे क्योंकि जो केंद्र की सरकार है मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीपीआई का दुरुपयोग करते हैं, जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें, कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जब हम स्वयं चल करके इन दोनों तीनों प्रकरणों में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी सदस्य का जब पता चला कि इसने बेईमानी की है, इसने पेपर जो है आउट किया है और पैसे दिए हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया, ईडी ने थोड़ी किया है। अब ईडी तो राजनीतिक नौटंकी करेगी और पॉलिटिकली जिनको क्रेज करना है ये शायद उनके निशाने पे होगा। अगर हमारी जांच से वो संतुष्ट नहीं होते तो एक अलग बात होती, लेकिन ये तो 12 महीने से चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब हों, चाहे दूसरे कोई बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हों, ये तमाम यही तो बात कह रहे हैं, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई आएगा और फिर भाजपा यहाँ राजस्थान में चुनाव जीत जाएगी।